नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा वेलकम करता हूं हमारे चैनल है ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। आज हम बात करेंगे स्किजोफ्रेनिया की। स्किजोफ्रेनिया पे ऑलरेडी एक वीडियो है, बट काफ़ी लोग इसका डिटेल के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं वेलकम करता हूँ सभी लोगों का भी और वेलकम करता हूँ साइकोलॉजी और साइकैट्री के स्टूडेंट्स का भी। स्किजोफ्रेनिया जो है वो एक गंभीर बीमारी है, जैसे हार्ट के डॉक्टर के लिए हार्ट अटैक एक गंभीर बीमारी है या किडनी के डॉक्टर के लिए किडनी फेलियर एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है, उसी तरह साइकैट्री की जो सबसे गंभीर बीमारी है वो है स्किजोफ्रेनिया। जो टर्म दी थी यूगेन ब्लॉयलर जी ने, जिसका मतलब है स्प्लिट माइंड या स्किजम बिहेवियर थॉट एंड इमोशंस। तो स्किजोफ्रेनिया जो है वो अक्सर 25 साल की उम्र के आसपास स्टार्ट होती है। वैसे तो किताबों के हिसाब से देखा जाए तो लड़कों में 10 से 25 साल और औरतों में ये 25 से 35 साल की उम्र में स्टार्ट होती है, और लड़कों और लड़कियों में लगभग बराबरी ही पाई जाती है। बट अगर ये 45 साल से ज़्यादा लेट स्टार्ट हो तो इसको लेट ऑनसेट स्किजोफ्रेनिया बोलते हैं, जो अक्सर औरतों में ज़्यादा कॉमन होता है और उसका प्रोग्नोसिस गुड होता है, मतलब उसका जो रिस्पॉन्स है मेडिसिन का वो बेटर होगा, मतलब जितनी लेट बीमारी होगी उतना अच्छा होगा। अब इसकी रिसर्च कैसे स्टार्ट हुई? लगभग 19 सेंचुरी से पहले तो इसको भूत प्रेत और चुड़ैल और भूत इन सब चक्कर में ही रहते थे, अभी भी रहते हैं, क्योंकि अमेरिका जैसी कंट्री में जो जो हमारी बुक है वो तो अमेरिका ने, जिसको पढ़ के हम लोग साइकियाट्रिस्ट बनते हैं, उसमें ये लिखा गया है कि 50% लोग इसका इलाज नहीं कराते, तो जो कि काफ़ी हैरानी की बात है। तो इंडिया में भी लगभग ऐसा ही हाल है कि मेजॉरिटी पेशेंट्स का जो है इलाज वो नहीं होता, इसलिए इसकी जागरूकता फैलाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला नाम आता है डिमेंशी प्रिकोसी। जो टर्म दी गई थी वो दी गई थी बेनेडिक्ट मोरेल जी के द्वारा। अब बेनेडिक्ट मोरेल जी ने जब डिमेंशी प्रिकोसी टर्म दी थी, उसका कहने का मतलब ये था, उस टाइम डिमेंशिया एक बीमारी होती है जो आप सबने सुना होगा, जिसमें मेमोरी लॉस हो जाती है, याददाश्त की कमी हो जाती है, और वो बीमारी होती है 60-65 साल में, और उसमें काफ़ी गंभीर परिणाम मरीज के घर वालों को और मरीज को देखने पड़ते हैं। तो डिमेंशी प्रिकोसी का मतलब है, प्रिकोसी मतलब अर्ली ऑनसेट, मतलब कोई ऐसी बीमारी जो कि काफ़ी गंभीर है बट वो जवानी में होती है, बट उसके लक्षण कुछ और हैं। इस ये कहना चाहते थे बेनेडिक्ट मोरेल, जो उन्होंने बिल्कुल काफी हद तक बिल्कुल सही कहा था। तो बेसिकली इस क्योंकि जो स्किजोफ्रेनिया है वो तो 25 साल में हो रहा है और जो डिमेंशिया है वो तो 65 साल की उम्र में होता है, तो 40 साल का फर्क है, इसीलिए इसका नाम हुआ डिमेंशी प्रिकोसी। उसके बाद एमिल क्रिपलिन जी आए, जिन्होंने डिवाइड किया साइकोसिस के पेशेंट्स को दो हिस्सों में, डिमेंशिया प्रीकॉक्स और एमडीपी। एमडीपी मतलब मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, जिसको मूड डिसऑर्डर की कैटेगरी में चले जाएंगे, जो पेशेंट जो है कभी मेनिया में जाता है कभी डिप्रेशन में जाता है, बट उसको साइकोसिस भी हो सकता है। और दूसरी टर्म जो उन्होंने वहीं से कॉपी ली, डिमेंशी प्रिकॉसी को इंग्लिश में चेंज किया डिमेंशिया प्रीकॉक्स। प्रीकॉक्स का मतलब वही है, अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया, मतलब मानसिक क्षमताएं कम हो गई बट लक्षण और है, यहाँ लॉस ऑफ मेमोरी नहीं है, यहाँ लक्षण है जैसे कानों में आवाजें आना, शक करना और ये सब। बट शुरू में एमिल क्रिपलिन जी का ये मानना था कि ये जो बीमारी है ये लाइफ लॉन्ग रहती है और लगातार टिकी रहेगी, जबकि मूड डिसऑर्डर्स हैं वो मौसम के हिसाब से आते जाएंगे या जाते जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। करंट क्लासिफिकेशन के, करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो स्किजोफ्रेनिया का कोर्स है, अगर आप बुक में भी पढ़ेंगे कैप्लन एंड सडॉक साइनोप्सिस में, उसमें भी ये लिखा हुआ है एक्सेसर्बेशंस एंड रिमिशंस, तो ये भी मूड डिसऑर्डर्स की तरह ऐसे ही हो सकता है कि कुछ समय के लिए हो और काफ़ी साल जो है वो नॉर्मल निकल जाए, फिर दोबारा हो, फिर नॉर्मल हो जाए, फिर दोबारा हो, फिर नॉर्मल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ पेशेंट्स को लगातार लाइफ लॉन्ग रहे, तो हो सकता है कि कुछ को इलाज की ज़रूरत पड़े 1-2 साल के लिए, जब परेशानी आई फिर दोबारा जब आई तो 1-2 साल के लिए, लेकिन कुछ ही सालों में अगर बहुत बार लक्षण आ रहे हैं तो 5 साल के लिए इलाज होगा, और अगर दवाई बंद करते ही लक्षण आ रहे हैं तो ज़िंदगी भर के लिए भी इलाज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं उसके बाद यूगेन ब्लॉयलर जी। यूगेन जो डिमेंशिया प्रिकॉस जो दिया था एमिल क्रिपलिन जी ने, वो 1895 में था अगर मुझे ठीक से याद है, और जो उसके बाद यूगेन ब्रॉयलर जी आए 1911 में, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया स्किजोफ्रेनिया का। स्किजोफ्रेनिया का मतलब होता है स्किज्म इन थॉट बिहेवियर एंड इमोशंस। इसमें एक वर्ड आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट। इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट में क्या होता है कि पेशेंट जो है तब हंसता है जब उसे नहीं हंसना चाहिए। जैसे अगर उससे बात की जाए, जो बुक में एग्जाम्पल दिया होता है कि अगर उसकी मदर की डेथ की बात कर रहा है और वो अचानक हंसने लगे, तो ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, जिसको बोलेंगे इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट। उसी तरह अगर बिहेवियर और इमोशंस की बात की जाए, तो बुक में एक एग्जाम्पल दिया होता है
कि जैसे अगर पेशेंट मेंटल हॉस्पिटल में है या साइकैट्रिक सेंटर में है, तो उसके बाद पेशेंट क्लेम करता है कि वो किंग है, कि वो किंग है, लेकिन वो आराम से जो है ज़मीन पे सो जाता है अपनी चद्दर बिछा के, जो एग्जांपल बुक में दिया हुआ है। तो इसका मतलब है जो उसका बिहेवियर है वो उसके इमोशंस या उसके थॉट्स के साथ जो है वो मैच नहीं कर पा रहा, इसीलिए इसे स्प्लिट माइंड बोला जाता है, इसीलिए इसे स्किजोफ्रेनिया बोला जाता है। तो स्किजोफ्रेनिया का एक्चुअली मतलब है स्प्लिट माइंड या स्किजम बिटवीन थॉट इमोशंस एंड बिहेवियर। इसके अलावा इन्होंने 4 A's भी दिए थे, यूगन ब्लॉयलर जी के 4 A's। अब उनकी उतनी रेलेवेंस तो नहीं है, जिसको प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया भी कहा जाता था। प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया का मतलब है कि अगर ये प्रेजेंट है, इन चारों में से कोई भी ए अगर प्रेजेंट है, इन चारों में से कोई भी एक, तो आप कह सकते हैं कि इसे स्किजोफ्रेनिया। हम बात कर रहे हैं 1911 की, ना कि 2020 की। तो उस केस में क्या होता था कि एक था एसोसिएशन, एक था ऑटिज्म, एक था एम्बिवेलेंस और एक था अफेक्ट। एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो उसमें होता है लॉस ऑफ एसोसिएशन, मतलब अगर पेशेंट बात कर रहा है तो वो बात करते करते कहीं से कहीं पहुंच जाएगा, इसको लॉस ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, आसमान में हवाई जहाज उड़ रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, गधा घास खा रहा है और तितलियाँ उड़ रही हैं। अब इसमें कुछ गलत नहीं है, बट कोई भी बात आपस में जुड़ी नहीं हुई है, तो आप इसको कोई मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन में नहीं ले सकते। तो ये हो गया लॉस ऑफ एसोसिएशन, मतलब एक शब्द तो नहीं बोलूंगा मैं, एक लाइन जो है वो अगली लाइन से जुड़ी नहीं हुई है, इसलिए जो है हम उसका कोई मतलब नहीं निकाल पा रहे, या हमें उसकी बात समझ नहीं आ रही। तो एसोसिएशन वर्ड का मतलब एसोसिएशन से ही है। उसके बाद हम बात करते हैं एम्बिवेलेंस की। एम्बिवेलेंस का मतलब होता है इनएबिलिटी टू डिसाइड इन फेवर और अगेंस्ट, कि मैं ये काम करूं या वो काम करूं। मुझे आज भी याद है, एक पेशेंट के घर वाले मुझे बोलते थे कि हमें बहुत तंग करता है। मैंने कहा, क्यों, क्या करता है? ये कहता है कि बहुत दिन हो गए हमें मासी के घर जाना है और मुझे जाना है, जबकि हमारी उनसे बनती भी नहीं है, और हम रेडी हो जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, उसके बाद कहता है मैंने नहीं जाना। तो एम्बिवेलेंस का मतलब होता है पेशेंट डिसाइड नहीं कर पाता कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना है, नहाना है कि नहीं नहाना है, खाना खाना है कि नहीं खाना है, उठना है कि नहीं उठना है। तो एम्बिवेलेंस, अब एम्बिवेलेंस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही है। उसका रीज़न ये है कि एम्बिवेलेंस OCD में भी होती है, कि मैं हाथ धोऊं या ना धोऊं, तो अब वो पैथोगनॉमिक सिम्टम उतना नहीं रहा जितना कभी किसी टाइम पे था। उसके बाद एक तीसरा वर्ड आता है ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब होता है खुद में खोए खोए रहना। अब एक स्किजोफ्रेनिया का पेशेंट खुद में खोया खोया क्यों रहता है? क्योंकि वो इस दुनिया में भी रहता है और अपनी उस दुनिया में भी रहता है जिसमें उसे कानों में आवाज़ें आती हैं, उसे डर लगता है, उसे शक होता है, उसे लगता है कि घर में कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ तो सामने सच में कैमरा लगा हुआ है, बट घर में कैमरे लगे हुए हैं जो उस पर नज़र रख रहे हैं, तो वो उनको ढूंढता रहता है। तो घर वालों, और जब वो उसके कानों में आवाज़ें आती हैं तो वो उनको जवाब देता है, तो घर वालों को लगता है किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहा है, ये तो खुद में ही गुम रहता है। तो उसको बोलते हैं ऑटिज्म या खुद में खोए खोए रहना। अब जो खुद में खोए खोए रहना है, वो काफ़ी सारे छोटे बच्चे भी होते थे 3 साल से छोटे, जिनको ऑटिज़म होता था, जिसका अब नाम चेंज के ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया है DSM-5 में। ऑटिज़म में क्या होता है कि बच्चे वो भी खोए खोए रहते हैं, बट उनकी उम्र 3 साल से छोटी होती है। अक्सर स्किजोफ्रेनिया, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया, लगभग 25 साल के आसपास होता है। तो ऑटिज़म में क्या होता है, उसमें लक्षण कुछ और होते हैं, उसमें लक्षण लैंग्वेज से, वो लैंग्वेज क्राइटेरिया, तो अब उन्होंने DSM-4 में तो 3 क्राइटेरिया थे, एक लैंग्वेज से रिलेटेड था, एक कम्युनिकेशन से रिलेटेड था, और एक रिपीटेटिव स्टीरियोटाइपिकल बिहेवियर से रिलेटेड था। तो अब वो बच्चे भी खोए खोए रहते थे। वो बच्चे इसलिए खोए खोए रहते थे क्योंकि वो दूसरों से आंखें नहीं मिला पाते थे, घर वालों के इमोशंस नहीं समझ पाते थे। तो वो जो ऑटिज्म वर्ड है, अब उसकी भी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी हिस्टोरिकल वैल्यू हुआ करती थी। अब लास्ट वर्ड रह गया अफेक्ट। अफेक्ट में आता है इमोशंस। अफेक्ट में फ्लैट अफेक्ट भी हो सकता है, रिस्ट्रिक्टेड अफेक्ट भी हो सकता है, इन अप्रोप्रिएट अफेक्ट भी हो सकता है, जिसकी वजह से स्किजोफ्रेनिया का नाम स्किजोफ्रेनिया पड़ा। उसके अलावा एक बड़े इंसान है कर्ट स्नाइडर। कर्ट स्नाइडर जी ने कॉन्सेप्ट दिया SFRS का, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया, जो कि अपने आप में टोटल 11 हैं, जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों बेसिकली जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी स्किजोफ्रेनिया की बेसिक्स हिस्ट्री के बारे में, वो यही है कि स्किजोफ्रेनिया एक गंभीर बीमारी है और ये लगभग 25 साल की उम्र में होती है, और इसमें अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट बेनेडिक्ट मोरेल जी ने दिया, उसके बाद एमिल क्रिपलिन जी आए, फिर यूगन ब्लॉयलर जी आए, कर्ट स्नाइडर जी आए, और इसका इलाज करना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है।
ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की नहीं घर वालों की भी अच्छी हो सके। क्योंकि साइकियाट्री में एक सेइंग होती है, जब आप किसी मरीज का इलाज करते हैं तो आप मरीज का ही इलाज नहीं करते, उनके घर वालों की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाते हैं। टॉपिक को लंबा ना खींचते हुए बाकी हम कवर करेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट बिलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि हमारे अपलोड करते ही आपको वीडियोस मिल जाएं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।